ये एक आम ख्याल है कि स्पीड ऑफ लाइट को कोई भी ऑब्जेक्ट गेन नहीं कर सकता, मगर क्या हो कि स्पीड ऑफ लाइट को ही डिक्रीज कर दिया जाए। 1990 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने स्पीड ऑफ लाइट को जो कि 300,000 किलोमीटर पर सेकंड है उसे कम करके 17 मीटर पर सेकंड पर ले आई। इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर 2001 में साइंसदान इस काबिल हो गए कि उन्होंने रोशनी को एक ही जगह पर रोक लिया और उसे मैटर में तब्दील कर लिया गया। बाद में उस मैटर को रोशनी में तब्दील कर लिया गया। स्पीड ऑफ लाइट को कम करने के लिए उन्होंने बूजे आइंस्टाइन कंडेंसेट का इस्तेमाल किया। आपको जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।